है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नागौर जिले की कुचामन सिटी के दौरे पर रहे और इस दौरान पूनिया ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा बीकानेर संभाग के ज्ञानाराम रणवा की फार्म हाउस में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए बताया कि 2023 में राजस्थान में भाजपा सरकार आना निश्चित है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में लगभग 8 लाख मुकदमे दर्ज हैं। राज्य में रोजगार और निवेश जब भी आता है जब उस प्रदेश में शांति व्यवस्था सही हो, लेकिन भारत में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं। अब सरकार केवल लीपापोती ही करेगी। सरकार से कोई आशा और उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले बजट की भी 60% ऐसी चीजें हैं जिनकी पूर्ति नहीं की गई। स्कूल खोल दिए लेकिन कक्षा कक्ष नहीं है, फैकल्टी नहीं है। कॉलेज खोल दिए, कॉलेज के बच्चे दरी पर बैठने को व्यवस्था है, भवन नहीं है। राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी के बाद हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। राजस्थान इस समय सबसे ज्यादा बीमारू प्रदेशों में 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है। 80,000 रूपये लेकर कोई भी बच्चा यहाँ पैदा होता है। ऐसी सरकार से कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी राज्य में रोजगार और निवेश तभी आता है जब शांति होती है। 8.5 लाख मुकदमे अपने आप में सरकार की वानगी है कि पुलिस को संसाधन मुहैया नहीं कराए, पुलिसिंग खत्म हो गई, राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ गई। अभी लीपापोती करेंगे, क्योंकि रोजगार के नाम पर ठगने का काम किया, किसानों से कर्जा माफी के नाम पर ठगने का काम किया, तो मुझे लगता नहीं है अभी जो बजट आएगा वो खाली घोषणा होगी, क्योंकि पिछले बजट की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई।